दोस्तों, किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनने से अच्छा है उसे आप खुद जाकर देख लो। गालिब कहते हैं, ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब है, ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब है, अक्सर वहां से गुजरता है जहां रास्ता नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे सुहाने सफर की यात्रा पर ले जा रहे हैं जो यहाँ से मीलों दूर नहीं बल्कि वहां तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जहाँ पैदल या हवाई जहाज की यात्रा करके पहुँचा नहीं जा सकता। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो नाव द्वारा ही जा सकते हैं। तो आओ चलते हैं इस सफर पर जो रोमांच से भरपूर, और ये जगह है क्रिस्टन दा कुन्हा। चारों ओर जहाँ नजर जाए पानी ही पानी, आसपास कोई नहीं। दोस्तों, प्रकृति का यह अद्भुत नजारा जो अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। ये टापू पूरी तरह से एक ज्वालामुखी टापू है और दूर से देखने से यह एक बहुत ही सुंदर हिमखंड की तरह दिखता है। क्रिस्टन दा कुन्हा द्वीप ब्रिटेन के 14 विदेशी अधिकार क्षेत्रों में से एक है, जिसकी खोज सन 1506 में क्रिस्टो दा कुन्हा ने की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि क्रिस्टन दा कुन्हा द्वीप काफी टापुओं का समूह है, जिसमें से विशेषकर गोव टापू और इनएक्सेसिबल टापू यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी अंकित है, और पिछले साल ही इसे अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित भंडार घोषित किया गया। इस टापू का 40% से ज्यादा हिस्सा प्रकृति संरक्षित है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आखिरी बार साल 1961 में यहाँ ज्वालामुखी फटा था, जिसके कारण यहाँ के लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए। जब सब कुछ ठीक हो गया तो लोग लंदन से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर क्रिस्टन दा कुन्हा वापस आ गए और एडिनबर्ग ऑफ सेवन सीज नामक बस्ती में रहने लगे। 241 लोगों की ये एक ऐसी बस्ती है जो दुनिया की चकाचौंध से दूर समुद्र के बीचों बीच बसी है, पर फिर भी यहाँ पर आम लोगों जैसी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे वो शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट हो, इंटरनेट कैफे हो या पुलिस स्टेशन। तो बात करें लोगों की, यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं। एक दूसरे की मदद के लिए यहाँ के लोग हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे घर बनाने में मदद हो या खाना बांटकर खाने में। इस पर एक बात याद आती है, मशहूर हो जाते हैं वो जिनकी हस्ती बदनाम होती है, कट जाती है जिंदगी सफर में अक्सर, जिनकी मंजिलें गुमनाम होती हैं। यहाँ के लोग आलू की खेती करके अपना गुजारा चलाते हैं, और रही अर्थव्यवस्था की बात तो उसका जरिया मछली और झींगा मछली पालन है। सैलानियों का स्वागत ये बड़ी खुशी से करते हैं। इसके लिए पारंपरिक फूस का संग्रहालय भी है, जिसमें दो लोगों के रहने की व्यवस्था भोजन के साथ की जाती है। यहाँ प्रकृति की सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ अद्भुत है। ये द्वीप समुद्री पक्षियों और कई अद्वितीय पक्षियों का घर है, जिसमें मुख्य रूप से विल्किंस बंटिंग, सेवन गिल शार्क, ब्लू शार्क, शॉर्ट फिन मैको शार्क, साउदर्न व्हाइट शार्क, साउदर्न राइट वेल्स और एल्बेट्रोस शामिल है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ 2 लाख से ज्यादा पेंगुइन, 3 लाख के करीब सब अटलांटिक सील्स और 50 लाख से भी ज्यादा शेयर वाटर पक्षियों की तादाद देखने को मिलती है। गौर करने लायक बात है कि छुट्टी के दिन यहाँ पर रेटिंग डे नाम की एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके पीछे भी एक वजह है। फ्रेंड्स, जब भी कोई नाव आती है या सैलानी यहाँ घूमने आते हैं, उनके साथ बहुत से चूहे भी टापू पर आ जाते हैं, जो एल्बेट्रोस पक्षी की प्रजाति के लिए खतरा बन जाते हैं। चूहों से खतरा इसलिए होता है क्योंकि वे एल्बेट्रोस के अंडों को खा जाते हैं। इसीलिए यहाँ के निवासी रेटिंग डे मनाकर ज्यादा से ज्यादा चूहों का शिकार करते हैं, और सबसे ज्यादा चूहे पकड़ने वाले को पुरस्कार भी दिया जाता है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपने इस वर्चुअल ट्रेवल का खूब आनंद उठाया होगा। तो अब आपके लिए भी एक सवाल, बताइए वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ ला टमाटीना यानी टमाटर का त्योहार मनाया जाता है। अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पिछली वीडियो के सवाल का जवाब है मोहनजोदड़ो, जिसे सबसे पहले नैना शर्मा ने दिया। दोस्तों,
फिर लेकर चलेंगे आपको वर्चुअल ट्रेवल के सुहाने सफर पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल एस्टाउंडिंग स्फीयर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।